ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से महाश्री रामलीला के मंचन का शुभारंभ आज पंचायत भवन में नगर विधायक रितेश गुप्ता के कर कमलों से हुआ। श्री सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट की ओर से मुरादाबाद में अपनी तरह का पहला आयोजन ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से श्री रामलीला मंचन पंचायत भवन में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम के शुभ अवसर पर भाजपा नेत्री अर्चना शर्मा, कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री अरविंद वर्मा, मोटिवेशन स्पीकर बाबा संजीव आकांक्षी, गोपी किशन, आशुतोष गुप्ता आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन करके किया। आज के कार्यक्रम में मेरठ से आए कलाकारों द्वारा नृत्य के माध्यम से गणेश वंदना प्रस्तुत की गई। तदुपरांत नृत्य नाटिका के रूप में संपूर्ण रामलीला का मंचन किया गया। आज के मंचन में रावण अत्याचारों से व्यथित लोगों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि अब हमारा कल्याण कैसे होगा। भगवान विष्णु ने दर्शन देकर कहा कि शीघ्र ही मेरा मानव के रूप में जन्म होगा और मैं आप सभी के कष्टों को दूर करूंगा। इसके तुरंत बाद दशरथ जी के दरबार में अयोध्या में गीत गाए जाने लगे। भगवान राम का वशिष्ठ जी के साथ उनके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने जाना, वेद पाठ शास्त्रों की विद्या ग्रहण करने के उपरांत में जंगल में ताड़का का वध, खरदूषण का वध और वापसी महल में आना, अयोध्या आने के उपरांत कैकेयी द्वारा भरत के राजा अभिषेक के लिए भगवान राम को वनवास, भगवान राम का वनवास में केवट से नदी पार का प्रसंग और शबरी का उद्धार, सुग्रीव से मित्रता और लंका पर चढ़ाई, मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण का वध और माता सीता की अयोध्या वापसी, सभी प्रसंगों का बहुत सुंदर मंचन आज की रामलीला में किया गया। ध्वनि एवं पूजन के माध्यम से आज का यह आयोजन बहुत सुंदर रहा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ब्रजपाल सिंह यादव, गोपी किशन, अरविंद वर्मा, अरविंद गोला, प्रमोद रस्तोगी, धवल दीक्षित, प्रदीप शर्मा, रोहित गुप्ता, प्रेमनाथ यादव आदि की उपस्थिति रही। निर्देशन आलोक राठौर और नरेंद्र कुमार का रहा। कार्यक्रम का संचालन बाबा संजीव आकांक्षी और संयोजन सुशील शर्मा ने किया। मैं संजीव आकांक्षी, प्रेम से लोग बाबा संजीव आकांक्षी कहते हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम में निरंतर जुड़ाव रहता है। मुरादाबाद में एक बहुत सुंदर आयोजन आज हो रहा है। अब वो आयोजन है महाश्री रामलीला मंचन। और ये महाश्री रामलीला मंचन जो है ये मुरादाबाद शैली का ही है, लेकिन एक अद्भुत प्रयोग है। इस प्रयोग में जैसे कि अब तक मुरादाबाद शैली की रामलीला होती आई है, कलाकार मंच पर रहता है और डायलॉग नीचे से बोले जाते हैं जो अलग केबिन बना होता है वहां से, लेकिन इसमें सारे डायलॉग्स रिकॉर्डेड हैं और